नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट के तहत 236वें यानी कि 236 डे के वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप आसानी से बोलना लिखना सीखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो सीरीज़ का बने रहिए। साथ साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सभी लोग से आग्रह है कि जिन्होंने नहीं किया है तो बेल आइकन को हिट कीजिए, तभी आगे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, अगर पिछले वीडियो पर जाना चाहे तो ओमनी सेंट इंग्लिश यूट्यूब पर टाइप कीजिए तो आप सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। साथ साथ देखिए, लिखना, राइटिंग स्किल और कम्युनिकेशन अगर स्किल है, दोनों को अगर मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना अगर नहीं आता, यहाँ तक कि पढ़ने भी नहीं आता है, तो हमारे इस वीडियो इसके साथ बने रहिए। सब कुछ सिखाया जाएगा, बताया जाएगा ईजी स्टेप में, जब तक कि आप सीख नहीं जाते। तो दोस्तों, देखिए हम लोग बात कर रहे थे कारक के बारे में। कारक जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके चिन्ह बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं उसके बिना कुछ जो है वाक्य, तो हिंदी जाहिर सी बात है, हिंदी में इन कारक के चिन्हों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि सिंपल सा कुछ एक वर्ड, एक वाक्य है, यहाँ ही देख रहे हैं कि हिंदी में जो है ये भी एक कारक है, कारक के चिन्ह को, तो ये भी एक कारक है, विभक्ति कहते हैं। तो ये जो है चिन्ह है, कुछ ऐसे ही चिन्ह है। देखिए, हिंदी में कारक के चिन्ह को विभक्ति, जिसे अंग्रेजी में केस एंडिंग कहते हैं। अब ये सारे जो चिन्ह है ये देख लीजिए आप, तो क्रमांक है, कारक का नाम है, उसके बाद कारक का चिन्ह और अंग्रेजी अनुवाद यानी इसकी कारक के चिन्ह का इंग्लिश क्या होगा, ये है। तो आइए फटाफट सब कुछ देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो देखिए, जैसा कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का और अधिकरण में पर, तो हिंदी में अगर हिंदी आपने पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा तो इसे याद लोग करते हैं, एक तरह से रट लिया जाता है बचपन में ही। तो खैर वो बस समय अलग है, अब यहाँ रटने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसमें से किसका किसका जो कारक का चिन्ह है कौन कौन सा अंग्रेजी होता है। तो देखिए यहाँ पर मे का है इन है, पर का अंग्रेजी ऑन होता है, ऑफ का होता है ऑफ। देखिए ऑफ जो है ये कई तरह से यूज होता है, और जैसे का, की, के और अफर्मेट फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का जो होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और सेकंड पर्सन प्लुरल नंबर, दोनों के साथ जो है भी ये लगता है, लेकिन वह रा के रूप में लगता है। उसके देखिए अपादान से, जो कि बिलगाव और जुदाई का बात सेंटेंस में कहता है, जब इसे लगता है वहाँ पर या जहाँ भी वाक्य में बिलगाव जुदाई रहता है तो वहाँ से का मतलब होता है कि ये अपादान कारक का चिन्ह वहाँ लगा हुआ है। इसका अंग्रेजी फ्रॉम होता है, के लिए का होता है फॉर से, और यहाँ का से करण से का मतलब विद, जो कि जुड़ाव से बात करता है। और देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ने और को, कर्ता ने कर्म को, इन दोनों के लिए जो है नो वर्ड्स, अंग्रेजी में कोई भी वर्ड नहीं है। हालांकि को के लिए कहीं कहीं जो है दोस्तों टू का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो ये था, इसका परिचय बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये सारे इसका हिंदी और इंग्लिश को आपको याद रखना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसी को मैंने यहाँ सिर्फ अलग से किया है। तो देखिए इन दोनों के लिए कोई वर्ड नहीं है, ने के लिए कोई वर्ड नहीं है, ने को के लिए कोई वर्ड नहीं है। विद का होता है से और या के साथ, फॉर के लिए होता है, के लिए, फ्रॉम से होता है से, जो कि बिलगाव की बात करता है, जुदाई की बात करती है, ऑफ का होता है का, इसका स्त्रीलिंग होता है की, और इसी इसका बहुवचन है के, जबकि ये फर्स्ट पर्सन अगर बात की जाए आई और वी, उसके बाद यू और उसके बाद यू, ये सिंगुलर और प्लुरल दोनों है, तो इन दोनों के साथ जो है का के की नहीं लगता है, जबकि रा री रे लगता है। तो रा दोस्तों कब, जब का देखिए रा यहाँ पर आई और वी यू यू का जब अगर इसका हिंदी सेंटेंस बनाया जाए तो वहाँ पर का के स्थान पे, का के की के स्थान पे रा रे री होगा। जैसे कि मेरा, तुम्हारा, मेरी, तुम्हारी, मेरे, तुम्हारे, बहुत सारा, हमारा, हमारी, इस तरह से, उससे भी देखेंगे डिटेल में। तो ये है यहाँ पर। और लास्ट में जो है दोस्तों इन अधिकरण वाला, इन में जैसे वह घर में है, और ऑन जैसे वह छत पर है, तो इस तरह के वाक्य में। अब देखिए वाक्य के अनुसार देखिए कि कैसे कैसे सेंटेंस होते हैं और कौन से कारक में क्या सेंटेंस होगा। देखिए कर्ता ने, तो कर्ता ने कर्ता कारक का जो चिन्ह ने है, और वाक्य होंगे यहाँ पर राम ने कहा, मधु ने खाया, उसने कहा था, यहाँ पर घेर कर। उसी तरह कर्म कारक को के वाक्य हैं जैसे कि मैंने,
ठीक है, तो यहाँ पर ने ध्यान मत दे, मैंने पुस्तक को दी, देखिए को आ गया यहाँ पर, पिता ने फोन पुत्र को दी, तो ये जो है को ये कर्म कारक का है, लेकिन इसमें जो है दोनों वाक्य ने भी आ गया है, देखिए पिता ने फोन पुत्र को दी, तो दोनों है ने अको दोनों है, तो इनका जो है कोई भी वर्ड अंग्रेजी में इंग्लिश का कोई भी मीनिंग नहीं होगा, इससे सिंपल बनेगा, जैसे जैसे सेंटेंस बनेगा बस सिंपल। लेकिन देखिए करण से कारक का जो चिन्ह होता से और उसका वाक्य है, मैं कलम से लिखता हूँ, छात्र प्यार से रहते हैं। उसके बाद है संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए, और इसी से के लिए देश के लिए जान दे देंगे, तुम धर्म के लिए हो, ये हो गया। उसके बाद अपादान कारक का चिन्ह होता से, और सेंटेंस है वह पेड़ से गिर गया, तो ये देखिए सेंटेंस जो है विलगाव और उससे भिन्नता की बात की, यानी कि जुदाई की बात हो रहा है, तो वह उससे भिन्न है, यहाँ भी से है लगा हुआ। उसका अधिकरण है संबंध कारक का चिन्ह है का, और जैसे वह पेंसिल का रंग काला है और यह मेरी किताब है, तो देखिए री, जैसा कि मैंने आप बताया कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन में, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल और सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल में जो है रा रे री लगता है, और बाकी जगह का के की, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल में का की के लगेगा। अब अधिकरण कारक का चिन्ह है में और पर, और जैसे कि राम घर में है, वो कपड़ा छप्पर पर है या वह छत पर है, इस तरह के वाक्य हैं, तो इससे समझ में आ रहा होगा कि कौन सा कारक विभक्ति में किस तरह का सेंटेंस होते हैं और किसका अंग्रेजी होता है। तो इस ने अको को छोड़कर सारे के से के लिए से का के की रारेरी से जुड़, जैसे तुम्हारा मेरा हमारा, और में और पर के लिए जो है वर्ड मीनिंग होते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश का जो है मीनिंग होता है, यानी कि उसको लिखना बहुत जरूरी हो जाएगा, लेकिन ने अको के लिए नहीं। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ हम लोग पढ़ेंगे अधिकरण कारक का चिन्ह है, और वो चिन्ह है दोस्तों में पर, जिसे अंग्रेजी में इन और ऑन कहते हैं। इनके भी सेंटेंस मैंने आपको बताया कि इन कहाँ लगेगा ऑन कहाँ लगेगा, तो आइए देखते हैं वे कैसे कैसे सेंटेंस हैं जिसके थ्रू आप अपने जो है पकड़ बनाएंगे, और सेंटेंस कैसे बढ़ाया जाए, सिंपल सेंटेंस को कैसे जो है एक स्टेप और बढ़ा कर ले जाया जाता है, तो देखिए ताकि तभी सीख पाएंगे। जैसे कि राम है, ठीक है, कहाँ, तो घर में, ये बात पकड़ना है, में घर में जो है इसे ही पकड़ना है कि कैसे लिखेंगे। हालांकि लिखते समय ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पर हिंदी में है घर में, पहले घर है उसके बाद में लगा हुआ, यानी कि शब्द है उसके बाद जो है कारक है, ये अधिकरण वाला चिन्ह है, तो शब्द प्लस जो है कारक चिन्ह, ठीक है, यानी अधिकरण चिन्ह में, तो हिंदी में तो शब्द के बाद में है, लेकिन अंग्रेजी में जो है जो चिन्ह है अंग्रेजी होता है इन, इन के बाद जो है शब्द है, तो राम है, तो राम इज इन द हाउस, यही इसी को पकड़ना है ताकि आप आगे भी जो सेंटेंस अच्छे से आसानी से बना सके। इसको अगर आप समझ जाते हैं तो जिनको नहीं बनाने आता वाक्य या ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, तो वो अच्छे से बोल पाएंगे। तो राम इज इन द हाउस, अभी देखिए राम को जब कुछ भी रख देते हैं, कोई भी सब्जेक्ट रखते हैं, बस ऐसा ही बनता, वह बगीचा में गया, ही वेंट, देखिए वह गया कहाँ, बगीचा में, तो इनटू गार्डन, क्योंकि प्रवेश कर गया इसलिए इनटू लगा है, इन नहीं लगा, इनटू, जब कहीं कोई प्रवेश करता है तो इनटू लगता है, तो वह बगीचा में गया। उसके बाद नेक्स्ट है, तीसरा है हम ईश्वर पर निर्भर है, देखिए यहाँ पर ईश्वर पर है, ये वर्ड्स को पकड़ना है, तो हम निर्भर है, तो वी डिपेंड ईश्वर पर, तो यहाँ पर के लिए जो अपॉन है अपॉन गॉड। नेक्स्ट है कपड़ा छप्पर पर है, तो कपड़ा है कहाँ, तो द क्लॉथ इज ऑन द रूफ। उसके बाद देखिए उनकी पत्नी घर पर है, तो ये है उनकी पत्नी, तो हिज उनकी पत्नी, एक से उनकी पत्नी है, तो हिज वाइफ इज एट होम, घर पर है का मतलब घर में है, और एट का मतलब होता है मेल के, यहाँ भाव पकड़ना है, तो इसलिए उनकी पत्नी घर पर है या उनकी पत्नी घर में है, एक ही बात है, इमोशंस पकड़ कर। अब देखिए उपयुक्त वाक्यों से स्पष्ट होता है किस तरह के वाक्य में यहाँ पर क्या शब्द जोड़ना है, ठीक है, अधिकरण वाला वाक्य चिन्ह है, तो जैसे घर में, तो घर में यहाँ जैसे कि मैंने बताया था घर में का हो जाएगा इन द हाउस, जो कि पहला सेंटेंस है वो क्लियर हो रहा होगा यहाँ पर, देखिए दूसरा है
बगीचे में इन द गार्डन और ईश्वर पर, तो देखिए बगीचे में के लिए इन द या इन द गार्डन या इनटू द गार्डन एक ही बात है। तो अब देखिए अपॉन अपॉन गॉड, तो देखिए ईश्वर पर, ईश्वर पर अपॉन गॉड, देखिए छप्पर पर है तो ऑन रूफ या ऑन द रूफ, घर में है एट होम या एट हाउस, एक ही बात है। ये था अब नेक्स्ट जो है छः नंबर में, देखिए वे हम पर शासन करते हैं, दे रूल्ड, देखिए हम वे जो है वे यानी वे का होगा दे, शासन करते हैं कहा जाएगा रूल्ड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थे हो जाएगा, वे हम पर शासन करते हैं तो वे जो है दे रूल्ड ओवर अस, तो रूल्ड का मतलब शासन करना, शासन करना, और पर का हो गया ओवर और अस, तो हम लोग के संबंध में जब कोई आदमी हो तो जाहिर सी बात है ओवर का इस्तेमाल यहाँ किया गया है, तो ओवर का मतलब भी पर होता है, तो दे रूल्ड ओवर अस। नेक्स्ट है देश में अकाल है, तो देश में का अकाल है, तो अकाल है, तो देयर इज यहाँ पर जो है जो दोस्तों कहीं कहीं जो है वाक्य में सब्जेक्ट नहीं रहता है तो वहाँ पर देयर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो देखिए देयर इज फेमिनाइन, देयर इज ए फेमिनाइन इन द कंट्री, देश में, देश में के लिए हो जाएगा इन द कंट्री, देयर इज ए फेमिनाइन इन द कंट्री, फेमिनाइन का मतलब हो जाएगा अकाल। अब देखिए यहाँ पर एक विश्व में शांति नहीं है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी सब्जेक्ट नहीं है, तो देयर इज नो पीस, देयर इज नो पीस, देयर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देयर इज नो पीस, शांति नहीं है कहाँ, तो विश्व में, इन द वर्ल्ड, ये देखिए इन द वर्ल्ड, विश्व में, मैंने यहाँ घेरा कर दिया है ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। वह जो है पेड़ के नीचे बैठता है, तो वह बैठता है, देखिए वह जो है बैठता है, ही सिट्स कहाँ, पेड़ के नीचे, तो ये के नीचे के लिए होगा बिनिथ, बिनिथ हो जाएगा द ट्री, तो नीचे पहले जो है देखिए शब्द है उसके बाद अधिकरण वाला चिन्ह है, तो जाहिर सी बात है पहले इंग्लिश में अधिकरण का चिन्ह के लिए बिनिथ, उसके बाद द ट्री, तो के नीचे के लिए बिनिथ याद रखेंगे बी ई एन ई ए टी एच, तो ही सिट्स बिनिथ द ट्री। उसके बाद नेक्स्ट है यह जमीन के तले है, तो यह है, तो इट इज, ठीक है इट इज यह है कहाँ, के तले के लिए हो जाएगा अंडर, अंडर द ग्राउंड, जमीन, जमीन के लिए ग्राउंड हो जाएगा, तो ये है अंडर द ग्राउंड, जमीन के तले, ठीक है जमीन के तले, समझ रहे होंगे दोस्तों, जाहिर सी बात है लगता है कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट करें। देखिए उपयुक्त वाक्यों में देखिए क्या क्या जो है इस लिया गया अलग से, तो हम पर, हम पर जो है इन द हाउस, हम पर यानी कि ऑन द, तो हम पर का होगा ओवरस हो जाएगा, जैसा कि वाक्य में आप यहाँ देख रहे होंगे पहला। उसके बाद देखिए देश में इन द कंट्री, देश में, तो देश में है उसके लिए इन द कंट्री, पहले देश में शब्द के बाद अधिकरण आया है, तो इंग्लिश में हमेशा पहले अधिकरण का चिन्ह होगा इन द, उसके बाद शब्द वर्ड्स होगा, तो इन द कंट्री जो आठ नंबर में विश्व में, तो इन द वर्ल्ड जो कि यहाँ आप देख रहे हैं नंबर एट में, नौ नंबर में है पेड़ के नीचे, तो बीनीथ द ट्रीज, और दस नंबर में अंडर द ग्राउंड जमीन के तले, तो ये है। उसके बाद देखिए ग्यारह नंबर का सेंटेंस है वह दिल्ली में रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो रहता है, ही लिव्स, ही लिव्स कहाँ, दिल्ली में, तो दिल्ली में के लिए यहाँ पर दिल्ली में यानी कि इन दिल्ली, इन दिल्ली हो गया। नेक्स्ट है राधा जो है बेंगलुरु में पढ़ती है, तो कई तरह से इसे बना सकते हैं राधा रीड्स, राधा स्टडीज या राधा रीड्स, जैसे भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए ऐसा लगा है, तो राधा रीड्स हो गया कहाँ, बेंगलुरु में, ठीक है, तो बेंगलुरु में, तो इन बेंगलुरु। उसके बाद नेक्स्ट है तेरह नंबर, मैं तुझ पर यानी तुम पर भरोसा करता हूँ, तो भरोसा करता हूँ, देखिए अब ये है मैं तुम पर, तो आई रिलाई, आई रिलाई ये हो गया मैं भरोसा करता हूँ किस पर, तुम पर, तुम पर कहा जाएगा दोस्तों ऑन यू, क्या हो जाएगा ऑन यू, आई रिलाई या आई बिलीव ऑन यू, ऐसे भी मैं भरोसा करता हूँ आई बिलीव ऑन यू या आई रिलाई ऑन यू। नेक्स्ट है हम सब यानी हम लोग जंगल में गए, तो वी वेंट भी बना सकते थे, वी हैव गॉन भी,
वी हैव गॉन ठीक रहेगा, तो वी हैव गॉन इन द फॉरेस्ट, या ठीक है हम लोग जंगल में गए, तो जंगल में गए का हो जाएगा इन द फॉरेस्ट, ये हो जाएगा जंगल में गए इन द फॉरेस्ट। उसके बाद 15 नंबर में वह जो है प्रतिदिन मैदान में टहलता है, प्रतिदिन मैदान में टहलता है, वह प्रतिदिन टहलता है, ही वॉक्स एवरी डे, कहाँ टहलता है तो मैदान में, इन द फील्ड ठीक है, इन द फील्ड वह प्रतिदिन मैदान में टहलता है। नंबर सिक्स देखिए ये है, इसके बाद कौन कौन सा वर्ड्स था जो कि मैंने घेरा ऊपर उसी को आप यहाँ देखेंगे, नोएडा में हो जाएगा इन नोएडा, सॉरी इन दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली है तो यहाँ दिल्ली लिख लें, इन दिल्ली। वह जंगल में, इसके बाद 12 नंबर में बेंगलुरु में है, इन बेंगलुरु। 13 नंबर में है तुम पर, ऑन यू, और जंगल में है इन द फॉरेस्ट, फील्ड में है इन द फील्ड। तो ये 15 नंबर आप यहाँ जो कि यहाँ पर क्रम में आप यहाँ देख सकते हैं, नंबर यहाँ दिया हुआ 11, 12, 13, 14 और 15 नंबर में। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, आपको ये वीडियो कैसा लगा जो कि इन और ऑन पर था, अधिकरण कारक का जो है चिन्ह विभक्ति जो है कैसे निम्न जो है यहाँ पर इस वीडियो में यहाँ पर कंप्लीट मैंने किया है, और जो भी इससे रिलेटेड डाउट्स हो पिछले 7 वीडियो में आप मुझसे बात कर सकते हैं क्या कुछ हुआ है। तो सारे जो है डे बाय डे आते रहा है वीडियो, तो देखते रहें, अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाए दोस्तों आगे आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए। और लिंक वीडियो चाहिए, कोई किसी भी तरह की वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में जरूर देखिए, वहाँ सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। दोस्तों डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।